एक गांव में एक बहुत ही बदसूरत बुढ़िया रहती थी। उसे बच्चों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी, इसलिए वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा डराती थी और उन्हें बहुत परेशान करती थी। सभी बच्चे उसे बूढ़ी डायन कहते थे और उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे। इतना ज्यादा डरते थे कि वो घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। एक दिन की बात है, उस डायन के घर में बहुत ही भयानक आग लगी। वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे गांव वाले उस डायन के घर के पास पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसके घर की आग नहीं बुझाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। लेकिन उनमें से एक बच्चे को डायन पर दया आ गई। उसने बाल्टी में पानी भरा और उसके घर की आग बुझाने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर और बच्चे भी ऐसा करने लगे और देखते देखते पूरा गाँव डायन के घर में लगी आग को बुझाने में लग गया और देखते ही देखते पूरी की पूरी आग बुझ गई। उस दिन के बाद से डायन को समझ में आ गया कि बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और बहुत अच्छी औरत बन गई।